Hello everyone, my name is Pinky Gulfrist. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम जो पढ़ेंगे वो डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का ही पार्ट है जो कि पावर मेजरमेंट के काम में लिया जाता है। एसी और डीसी दोनों पावर इसी से मेजर की जाती है। इसमें जो कंटेंट्स अब हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर डायग्राम, वर्किंग ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर, टॉर्क इक्वेशंस ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड एरर ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर। सबसे पहली चीज कि डायनामोमीटर होता क्या है। डायनामोमीटर पावर मेजर करने के काम आता है। ये एसी और डीसी दोनों पावर में मेजर करने के काम में लिया जाता है। इसमें बेसिकली ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पर आधारित है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जैसा ही होता है, पर मूविंग कॉइल की जगह इसमें जो परमानेंट मैग्नेट की जगह तो फिक्स्ड कॉइल से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। बट इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स द ऑपरेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिक्स्ड कॉइल इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। द इंस्ट्रूमेंट इन विच फिक्स्ड कॉइल इज प्रोड्यूस्ड ऑपरेटिंग फील्ड आर नॉन एज अ डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जिसमें फिक्स्ड कॉइल से ऑपरेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट वाटमीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूज वेरी कॉमनली फॉर पावर मेजरमेंट इन एसी सर्किट एज वेल एज डीसी सर्किट, दोनों में काम में लिया जाता है। ये बेसिकली परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पर आधारित है। एक बार और कि इसमें परमानेंट मैग्नेट कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। इसमें दो फिक्स्ड कॉइल्स होती हैं जो एयर कोड होती हैं, उनसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल, डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल एंड सिंपल कैन बी स्टेट एज वैन एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक मैकेनिकल फोर्स एंड ड्यू टू दिस मैकेनिकल फोर्सेस डिफ्लेक्शन ऑफ द कंडक्टर टेक प्लेस। मतलब जब किसी जो परमानेंट मैग्नेट का जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है उसके ऊपर बल लगता है, उस बल का जो मान होता है मैग्नीट्यूड होता है वो बी आई एल होता है। बी होता है फ्लक्स डेंसिटी, आई इज अ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, एल इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस फोर्स के कम्युलेटिव इफेक्ट से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा विच इज प्रोपोर्शनल टू द मेजरिंग क्वांटिटी या मेजरिंग पावर। इन दीज वाटमीटर्स द फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग मूविंग कॉइल ट्राइज टू कम इन द लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग फिक्स्ड कॉइल एंड अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द मूविंग कॉइल मूविंग सिस्टम। अब इसमें जो करंट कैरिंग कॉइल है, जो मूविंग कॉइल है, वो करंट कैरिंग कॉइल है, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड की लाइन करंट उसके लाइन में आने की कोशिश करती है, उसके फील्ड में आने की कोशिश करती है, उससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है मूविंग सिस्टम पर। इस मूविंग सिस्टम से ही हमारा स्पिंडल और पॉइंटर अटैच्ड होता है जो कि हमें स्केल जो पॉइंटर है वो एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर हमें मेजरमेंट देगा पावर का। एज अ रिजल्ट डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द पॉइंटर। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो डायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है या हमारा डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर होता है उसमें जो दो बेसिक चीज है फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल इज स्प्लिटेड इनटू इक्वल पार्ट्स व्हिच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। द टू फिक्स्ड कॉइल्स आर एयर कोड टू अवॉइड हिस्टेरेसिस इफेक्ट व्हेन यूज्ड ऑन एसी। फिक्स्ड कॉइल होती है, दो फिक्स्ड कॉइल को इसमें ये डायग्राम है, ये दो फिक्स्ड कॉइल है। इन फिक्स्ड कॉइल में नंबर ऑफ इक्वल टर्न्स होते हैं विच इज प्लेस्ड पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल में है ये। अब ये फिक्स्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एंड कैरीज द लाइंस करंट, इट इज देयरफॉर कॉल्ड द करंट कॉइल। ये जो फिक्स्ड कॉइल है वो लोड के सीरीज में लगी हुई होती है और सर्किट करंट को कैरी करती है, इसलिए इसको करंट कॉइल कहते हैं। मूविंग कॉइल इज पिवोटेड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द फिक्स्ड कॉइल एंड माउंटेड ऑन अ स्पिंडल। ये जो मूविंग कॉइल होती है वो एक स्पिंडल के ऊपर लगी हुई होती है,
और स्पिंडल के साथ लगी हुई होती है, जो कि जिसके साथ ही पॉइंटर अटैच्ड होता है, और एक पॉइंटर होता है वो स्केल के ऊपर एक डिफ्लेक्शन देता है. इट इज अटैच्ड टू द स्पिंडल व्हिच गिव्स द डिफ्लेक्शन. अब मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड पैरेलल विद द लोड एंड कैरीज अ करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ पोटेंशियल कॉइल. जो मूविंग कॉइल है उसको पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर करंट फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होता है, इसलिए इसको पोटेंशियल कॉइल कहते हैं. इसमें मूविंग कॉइल के साथ में एक रेजिस्टेंस अटैच्ड होता है जो कि करंट को लिमिट करता है मूविंग कॉइल सिस्टम में, जो मूविंग कॉइल में करंट को लिमिट करने की कोशिश करेगा, विच इन टर्न इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं. अब बात करते हैं, इसमें तीन तरीके के टॉर्क होते हैं. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हमने देख लिया कि मूविंग सिस्टम से किस तरह से प्रोवाइड हो रहा है. तो देन स्प्रिंग, जो दूसरा हमारा आता है कंट्रोलिंग टॉर्क. जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो स्प्रिंग कंट्रोल से प्रोवाइड किया जाता है. They also serve the additional purpose of leading the current into and out of the moving coil. और इसके अंदर जो डैम्पिंग है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज एम्प्लॉयड इन द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज एम्प्लॉयड इन सच इंस्ट्रूमेंट. अब इस इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लगाई जाती है, या एयर फ्रिक्शन से डैम्पिंग प्रोड्यूस की जाती है. ये इसका डायग्राम है. हम डायग्राम को समझते हैं. इसमें दो फिक्स्ड कॉयल है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है. ये मूविंग कॉइल है. मूविंग कॉइल से स्पिंडल जुड़ा हुआ होता है. स्पिंडल से ये पॉइंटर जुड़ा हुआ होगा. ये करंट लिमिटिंग मूविंग कॉइल के सीरीज में एक करंट हाई वैल्यू का करंट लगाया जाता है, वो रेजिस्टेंस लगाया जाता है. वो रेजिस्टेंस इसमें मूविंग कॉइल में करंट को कंट्रोल करता है. अब इसमें इसको फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोड के सीरीज में लगी हुई है और ये सर्किट करंट को ड्रॉ करती है. तो इसलिए सो इट इज कॉल्ड करंट कॉइल. और जबकि ये मूविंग कॉइल है वो लोड के प्रोपोर्शनल में लगी हुई है, अक्रॉस लगी हुई है. तो ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में करंट को लेती है, तो इसलिए इसको पोटेंशियल कॉइल कहा जाता है. ये दो कॉइल है, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड कॉइल. ये एक मूविंग कॉइल है. मूविंग कॉइल से स्पिंडल है, ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ये स्केल है. स्केल डायरेक्ट वोल्ट्स का पावर का मेजरमेंट किया जाता है. यहाँ पे इनपुट पावर यहाँ दी जाती है. ये इनपुट टर्मिनल है. अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ डायनोमीटर टाइप वाटमीटर. यूजिंग डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एज अ वाटमीटर मेजर द पावर. द फिक्स्ड कॉइल एक्ट्स एज अ करंट कॉइल एंड मस्ट बी कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लोड. जो डायनोमीटर टाइप अगर हम पावर मेजर के लिए काम में ले रहे हैं, पावर मेजरमेंट के लिए, तो हम इसको फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल बोलते हैं, जबकि मूविंग कॉइल को हम पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में करंट को लेती है. द वाटमीटर इंडिकेट्स द सप्लाई पावर. जो इसमें जो पॉइंटर है वो पावर का मेजरमेंट देता है. व्हेन द करंट पासेस थ्रू द फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल बोथ कॉइल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. इसमें जब करंट फिक्स्ड कॉइल जो है उसमें करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी. मूविंग कॉइल में भी जब हम देंगे तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स अलग से प्रोड्यूस करेगी. दोनों आपस में इंटरैक्ट कर एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉइंटर को मूव करता है. द फील्ड प्रोड्यूस बाय द फिक्स्ड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट, व्हाइल द फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द मूविंग कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. एज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरक्शन ऑफ दीज टू फील्ड्स, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर सप्लाई टू द लोड. हम एक बार और समझते हैं. जो फील्ड फिक्स्ड कॉइल से प्रोड्यूस किए जा रहा है वो प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट, करंट के प्रोपोर्शनल में आई के. और जबकि फील्ड प्रोड्यूस बाय द मूविंग कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. अब वोल्टेज और करंट दोनों का जो हम प्रोडक्ट लेते हैं वो पावर होती है. तो जो हमारा इन दोनों के इंटरेक्शन से, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से जो भी हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो पावर का मेजरमेंट होगा. द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर सप्लाई टू द लोड. अब टॉर्क इक्वेशन को समझने के लिए हम बात करते हैं. इसमें टॉर्क इक्वेशन, ये जो करंट जब हम पास करेंगे मूविंग कॉइल में से, तो जो फ्लक्स डेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी, एल लेंथ और बी ब्रेथ का एक कंडक्टर है जो मूविंग कॉइल है, जिसमें बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसमें बी है.
अब इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा मूविंग कॉइल का डायमेंशन वो होगा एल इंटू बी. द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रोड्यूस बाय द फिक्स्ड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट. B is proportional to the current. If the current through the coil is I1, then we can write, let us consider dimension of the moving coil L into B. Here the length L is the length, L is the length and the B is the breadth of the coil. अब हम इसको करंट फ्लोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल इज आई टू और करंट फ्लोइंग थ्रू द फिक्स्ड कॉइल इज आई वन. अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है हमारी मूविंग कॉइल में, जो उसके ऊपर लग रहा है फोर्स, तो उस फोर्स का जो हमारा मैग्नेट्यूड होगा वो एन बी एल आई टू. एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, B is a flux density, L is a length of conductor, I2 is a current passing through the moving coil. अब TD is equal to FB, जो हमारा FB, FB is equal to होता है N L by 2, B I2 B, B breadth के across इसमें हमारे दो force लग रहे हैं जो कि इसको torque को घुमाते हैं. अब L into B हम कह सकते हैं, L into B हमारा ये, अब पहली चीज हम बात कर रहे हैं क्योंकि B is proportional to the I1, क्योंकि ये I1 से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको I1 लिख सकते हैं B को, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो I1 से हो रहा है फिक्स्ड कॉइल में. I1, B is proportional to the I1, तो TD is proportional to the K I1 I2, क्योंकि इसमें number of turns constant है, length of the conductor is also constant, B is also constant, and then B is proportional to the I1, then TD is equal to the, TD is proportional to the I1 and I2. अब डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल्ड है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम. तो टीसी जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. अब जब टॉर्क हमारा, जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और जो कंट्रोलिंग टॉर्क जब बराबर हो जाएंगे, तब वहां जाकर हमारा पॉइंटर रेस्ट करेगा. उस केस में के इज इक्वल टू आई वन, I2 is equal to K2 I2, मतलब I1 I2 is proportional to the theta, directly proportional to the theta होगा. It is seen that the deflection angle is directly proportional to the product of current through the field coil and the moving coil. अब बात करते हैं हम वाट मीटर के हिसाब से लें, तो वी मोस्टली यूज द डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एज अ वाट मीटर. इन डायनोमीटर टाइप वाट मीटर फील्ड कॉइल as the current coil and the moving coil as a volt coil. ये current coil, अब जब इसमें I1 है, वो हमारा current field coil की वजह से, which is I1 is a field current, और I2 है वो proportional to the voltage होता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I V is proportional to the theta. IV, P is equal to IV, IV is equal to हमारा power होता है, तो हम P is proportional to the theta इसको लिख सकते हैं. The angle of deflection of the pointer is directly proportional to the product of current and voltage. ये, the product of current and voltage is nothing but it is the power in a wattage, जो power होती है. The I1 जो हमारा है वो हमारा फिक्स कॉइल में है, I2 हमारा है वो मूविंग कॉइल में या पोटेंशियल कॉइल में, विच इज प्रोपोर्शनल टू द V, एंड I1 इज प्रोपोर्शनल टू द I, जो कि हमारा करंट कॉइल में. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो I और V, विच इज द पावर, जो कि वोल्टेज होती है. अब हम बात करते हैं कि ये एसी और डीसी दोनों को पावर को मेजर करने के काम में आता है. पी इज इक्वल टू वी आई, दिस इज द डीसी, बट पी इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा इज द पावर इन एसी सर्किट. तो जो कॉस थीटा होता है वो वी और आई के बीच का एंगल होता है. अब डायनोमीटर टाइप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वाटमीटर की. इट कैन बी यूज बोथ ऑन एसी एंड डीसी सर्किट. इट हैज यूनिफॉर्म स्केल. यूनिफॉर्म स्केल इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है. वी कैन ऑब्टेन द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी थ्रू केयरफुल डिजाइन. इसकी एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है. डिसएडवांटेज, एट लो पावर फैक्टर द इंडक्टेंस ऑफ द पोटेंशियल कॉइल कॉज सीरियस एरर. द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मे बी अफेक्ट द स्ट्रे इफेक्ट एक्टिंग ऑन द मूविंग कॉइल. टू प्रिवेंट इट मैग्नेटिक शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय द
एंड क्लोजिंग द इंस्ट्रूमेंट इन केस इन एन आयरन केस. इसको प्रिवेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को एक आयरन केस के साथ में एनक्लोज कर दिया जाता है. अब एरर फॉलोइंग आर द एरर्स इन द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर. एरर्स इन द प्रेशर कॉइल ड्यू टू द इंडक्टेंस. इंडक्टेंस के कारण इसमें लैगिंग इसका जो पावर फैक्टर है वो लैग करने लग जाता है. एरर में भी प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस से लीड करने लग जाएगा. एरर में भी ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस. एरर में भी ड्यू टू द कनेक्शन प्रेशर कॉइल और इसमें जो कॉइल करंट कॉइल में जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो तो हमारे एरर आ जाएगी. एरर ड्यू टू द एडी करंट. एडी करंट के कारण इसमें लोकल करंट ये क्या है मेन जो सर्किट करंट होता है उसको अफेक्ट करता है. एडी करंट ये लोकल सर्किट करंट होता है. एरर्स कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मूविंग कॉइल. टेम्परेचर एरर. टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा जिससे इसके कंट्रोलिंग टॉर्क में भी फर्क आएगा इसकी रीडिंग में भी फर्क आएगा. एरर ड्यू टू द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड. इसके स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इसमें एरर प्रोड्यूस हो सकती है.